आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारी तादाद में अयोध्या के अलावा दूर दूर से, देश के कोने कोने से यहां पर जो राम भक्त आए हुए हैं, हर तरफ जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये भक्त। फिलहाल अब तक क्या कुछ हुआ है जल्दी से आपको बड़ी बातें बता देते हैं। विश्व हिंदू परिषद VHP की धर्म सभा चल रही है, भारी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि इस धर्म सभा में दावा इस बात का किया गया था कि 2 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन वहीं स्वामी राम भद्राचार्य ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर के बाद सरकार इस पूरे मामले पर ऐलान करने वाली है। अब सरकार क्या ऐलान करेगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अयोध्या में पूरी जमीन चाहिए, बंटवारा मंजूर नहीं है, VHP ने ये भी कहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि अयोध्या पर सुनवाई में कांग्रेस ने रोड़ा डाला। आपको बता दें उद्धव ठाकरे आज ये कहकर अयोध्या से रवाना हुए कि अगर राम मंदिर नहीं तो फिर सरकार नहीं। तो ये अब तक की बड़ी बातें जो हमने आपको बताई, लेकिन सबसे बड़ा बयान स्वामी राम भद्राचार्य की ओर से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 11 दिसंबर के बाद सरकार इस पूरे मामले पर बड़ा ऐलान करने वाली है। और क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी। इन्होंने मंच से ऐलान किया है कि मोदी सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि 11 दिसंबर के बाद राम मंदिर को लेकर के बड़ा ऐलान किया जाएगा। स्वामी जी, क्या बातचीत हुई है, किस मंत्री से बातचीत हो गई? वरिष्ठतम मंत्री, मैंने बता दिया आपको जी। अब आप समझ जाओ वरिष्ठ मंत्री कौन होता है। क्या बातचीत रही? यही कि जगत गुरु जी, संतों को आप आश्वासन दिलाइए, अभी चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, 11 दिसंबर के बाद बैठकर हम और प्रधानमंत्री सब लोग मिलकर कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इस तरीके से जो बातें बहुत वक्त से की जा रही हैं, आपको उम्मीद है कि, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, ऐसा है? अभी मुझसे अभी बात की उन्होंने, और किसी कभी नहीं करते थे जी, जी, जी। और कब बातचीत हुई है? हाल फिलहाल 23 नवंबर रात्रि 8:30 बजे। अच्छा, तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि 11 दिसंबर के बाद में कोई बड़ा फैसला लेंगे? हाँ नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुटे हैं इसी मांग को लेकर के कि अध्यादेश दे। मैं और किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हंस देवाचार्य के वाक्य पर आपत्ति हुई जी, जी, जी। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए जी। यहाँ पर उसके अलावा जो है ये भी बताने की कोशिश की गई है मंच से कि व्यवधान क्या कहाँ कहाँ पर हुए हैं, सब वो लोग जाने, मैं कुछ नहीं कर। मुझको जो मंत्री ने कहा जी, जी, जी। मैंने वह संदेश यहाँ तक पहुँचाया। और आप ये भरोसा जो है उन मंत्री के, मैं वो जो आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि वो मंत्री झूठ नहीं बोल सकता, मंत्री झूठ नहीं बोल सकता। एक वरिष्ठ मंत्री ने भरोसा दिया है कि जल्द होगा राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि अभी चुनाव होने हैं, चुनाव हो रहे हैं कुछ राज्यों में, लिहाजा इस वजह से कुछ ऐलान नहीं किया जा सकता, लेकिन 11 दिसंबर को जब मतगणना हो जाएगी उसके बाद किया जाएगा एक बड़ा ऐलान राम मंदिर को लेकर के, ये कहना है स्वामी राम भद्राचार्य का, जो कि चित्रकूट से महाराज हैं। और अब वो यहाँ से निकल रहे हैं मंच से, लेकिन उन्होंने सबको भरोसा ये दिलाया है कि बातचीत हो गई है और 11 दिसंबर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से हो सकता है राम मंदिर को लेकर एक बड़ा ऐलान। कैमरा पर्सन योगेश। आपको बता दें बहुत बड़ा बयान ये सामने आया है राम भद्राचार्य जी का, उनकी ओर से दावा किया गया है 11 दिसंबर के बाद सरकार बड़ा ऐलान करेगी। अब सवाल ये है कि सरकार इस पूरे मामले में अपने कदम आगे कैसे बढ़ाएगी। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका पर्चा आपसे करवाते हुए हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। BJP से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद है। प्रेम जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शिवसेना से संतोष दुबे जी मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बहुजन चिंतक सतीश गौतम जी मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए, 11 दिसंबर के बाद बड़ा ऐलान करने जा रही है भाजपा, इस बारे में संत समाज एक राय से पुरजोर तरीके से ये बात कह रहा है, और साथ ही ये भी हवाला दिया जा रहा है कि BJP के बड़े मंत्री की ओर से ये आश्वासन दिया गया है, क्या होने जा रहा है? पूजनीय संतों की श्रद्धा राम में है और राम के मंदिर के निर्माण के प्रति जनादेश है, और उस जनादेश का सम्मान संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए जाएगी। 11 दिसंबर के बाद तारीख तो संतों ने बताई दी है, 11 BJP, अब संत समाज बताएगा तो फिर BJP सरकार किस काम की? BJP सरकार मतलब संतों का सहारा लेंगे। सही प्रश्न आप कर रही हैं।
सरकार बनाने के लिए आपने सरकार बनाने के लिए संतों का सहारा, राम मंदिर के लिए मतलब बिना संतों के आपका तो काम ही नहीं हो रहा है। चित्रा जी देखो, संतों के आंदोलन को हमारा समर्थन है, संतों की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है और संतों की आज्ञा के अनुरूप प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर का अयोध्या में निर्माण। संतों ने 4.5 साल बोला कि भव्य राम मंदिर बनाए, क्या किया आप लोगों ने? जब जब संतों ने कहा हमने उसके आदेश का पालन किया। आदेश का पालन 4.5 साल बीत गया, 6 महीने बाकी है, 6 महीने बाकी है। संतों ने जब आदेश दिया उसका पालन किया। अरे संत तो 26 साल से आपसे यही कह रहे हैं, जब हमारी सरकार बनी माना जाए जब जब संतों ने आदेश दिया पालन हुआ है, संतों के आदेश का समग्रता पालन। चित्रा जी अगर 11 तारीख को बीजेपी को बहुत बड़ी घोषणा करनी थी तो आज इनको 25 तारीख में क्यों बुलाया जा रहा है? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ है। 28 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आपको 11 तारीख को तो राम भद्राचार्य जी ने जो कि बड़े संत हैं उनकी ओर से इस बात का दावा किया गया है कि 11 दिसंबर के बाद सरकार राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। आपको बता दें शीतकालीन सत्र भी उसी समय शुरू होने जा रहा है। अब सवाल यह है क्या कानून लाएगी सरकार, अध्यादेश लाएगी या फिर किस तरह से राम मंदिर की दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त करेगी, क्योंकि यहाँ से जनभावना इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है उनकी ओर से। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी राम भद्राचार्य जी। इन्होंने मंच से ऐलान किया है कि मोदी सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि 11 दिसंबर के बाद राम मंदिर को लेकर के बड़ा ऐलान किया जाएगा। स्वामी जी क्या बातचीत हुई है, किस मंत्री से बातचीत हो गई? वरिष्ठतम मंत्री, मैंने बता दिया आपको जी। अब आप समझ जाओ वरिष्ठ मंत्री कौन होता है। क्या बातचीत रही? यही कि जगत गुरु जी संतों को आप आश्वासन दिलाइए, अभी चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, 11 दिसंबर के बाद बैठकर हम और प्रधानमंत्री सब लोग मिलकर कुछ ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो जाए। इस तरीके से जो बातें बहुत वक्त से की जा रही हैं, आपको उम्मीद है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है? ऐसा है, अभी मुझसे अभी बात की उन्होंने और किसी कभी नहीं करते थे। और कब बातचीत हुई है? 23 नवंबर रात्रि 8:30 बजे। अच्छा, तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि 11 दिसंबर के बाद में कोई बड़ा फैसला लेंगे? हाँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जुटे हैं इसी मांग को लेकर के कि अध्यादेश। मैं और किसी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे हंस देवाचार्य के वाक्य पर आपत्ति हुई। ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए जी। यहाँ पर उसके अलावा जो है ये भी बताने की कोशिश की गई है मंच से कि व्यवधान क्या कहाँ पर हुए हैं, सब वो लोग जाने, मैं कुछ नहीं कर। मैंने मैं मुझको जो मंत्री ने कहा मैंने वह संदेश यहाँ तक पहुँचाया। और आप ये भरोसा जो है उन मंत्री के दिसंबर के बाद बड़ा ऐलान सरकार इस पूरे मामले में कर सकती है। बड़ा ऐलान क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन संतोष दुबे जी शिवसेना से हमारे साथ बने हुए। संतोष जी क्या शिवसेना के दबाव है कि अब सरकार मान रही है, आपको ये लग रहा है? नहीं, मानना ही पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिना माने काम नहीं चलेगा। जहाँ रामलला टेंट में बैठे हैं वहाँ सभी सांसद, दिल्ली में 500 सांसद एसी कमरे में रहते हैं। शिवसेना भी तो राजनीति करने ही चली आई है ना? राजनीति नहीं चलेगी किसी की राजनीति। अरे आप लोग भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, हमने दबाव बनाया, दबाव बनाया जाएगा कि मंदिर बने, बिना मंदिर के अब किसी का भरोसा। अरे आपके मंत्री इस्तीफा देकर आए होते ना कि सरकार को अब हम दरकिनार करते हैं। ये मंदिर बनाने के लिए नहीं आए थे, ये तो आपने संदेश देने की बात कर दी। मैं तो संदेश प्रदर्शन कर रहे हैं शिवसेना वाले लोग, संदेश देने के लिए आए थे और अब जब आएंगे तो मंदिर बनाने के लिए आएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। अब ये क्या आखिरी कमेंट आपका, बताइए 11 दिसंबर के बाद क्या होने जा रहा है? देखिए प्रभु रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए संवैधानिक मार्ग प्रशस्त करना ये सरकार का संकल्प है और हम पूरा करेंगे। मतलब तारीख बता देंगे आप लोग? निश्चित तौर पर 11 दिसंबर के बाद तारीख बता देंगे। भव्य दिव्य राम मंदिर आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 2019 भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जोड़िए भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बीजेपी की ओर से दावा ये किया जा रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ने ये नहीं कहा कि क्या वो 2019 के पहले होगा। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर ये है, एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए एक बड़े संत की ओर से दावा इस बात का किया गया है कि 11 दिसंबर के बाद राम मंदिर को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। और एक बार फिर से आपको बता दें 11 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।